वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। मैं हरलीन कौर, गुरु नानक कॉलेज ऑफ एजुकेशन डलियाल दी बीएड फर्स्ट सेमेस्टर दी विद्यार्थन हाँ। मैं आज इस भाषण प्रतियोगिता दे विच हिस्सा लैन जा रही हाँ। मेरे वालों आप जी नूं धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे 400 साल प्रकाश पुरब दियां लख लख वधाइयां हों। धन श्री गुरु तेग बहादुर जी का जन्म गुरु के महल अप्रैल 1621 नूं होया। जदों आप जी दे जन्म दा धन श्री गुरु हरिगोबिंद साहब जी नूं पता लगता है तो वह हरिमंदर साहब विखे आसा दी वार दा कीर्तन सरवण कर रहे सन। कीर्तन की समाप्ति तो बाद वह तुरंत घर परते। इतिहासकार लिखते ने कि जदों छेवीं पातशाही आप जी नूं देखण आए तो उन्होंने सिर झुकाउंदिआं यह वचन दिता कि आप जी बहुत ही बहादुर, सूरबीर अते तेग दे तनी होवोगे। आप जी का नाम तेग मल रख दिता गया। बहुत छोटी उम्रे आप जी की सिक्ख्या अते शस्त्र विद्या मीरी पीरी के बादशाह आप जी के पिता जी पासों शुरू हो गई। समा बीतता गया अते निक्की उम्रे ही आप जी का आनंद कारज लाल चंद वासी करतारपुर की सपुत्री गुजरी दे नाल हो गया। उस समय की गल है जदों आप जी के पिता जी नूं करतारपुर की चौथी जंग लड़नी पई। उत्थे आप जी ने अपनी तेग दे जौहर दिखाए। ये देखदियां आप जी दे गुरु पिता ने आप जी का नाम तेग माल तो तेग बहादुर रख दिता। जिथे आप जी बहादुरी दियां उदाहरणां दिंदे रहे ने उत्थे ही आप अमली जीवन विच विश्वास रखते सन। ये गल उदों दी है जदों आप दे एक हाणी दे माता जी आप नूं आके कहंदे कि तेरा हाणी गुड़ बहुत खांदा है, इसनूं रोक। उस समय आप जी ने कुछ नहीं किया तो थोड़े दिनों बाद आप जी ने अपने हाणी नूं कहा बई गुड़ ना खाया कर। ये देखदियां वो माता जी ने कहा यह गल तू उदों भी कह सकदा सी। गुरु जी कहन लगे ये गल मैं उदों किवें कह सकदा सी जद खुद ये काम मैं करदा होवां। इत्थों असीं अंदाजा ला सकते हैं कि गुरु जी का जीवन अमला भरिया, बहादुरता वाला, निडरता वाला, पवित्रता वाला रहा होगा। इत्थों सानूं सीध लैनी चाहीदी है। इस दे अगे समा बीतण दे नाल नाल गुरु जी ने अपनियां रचियां बाणियां श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच दर्ज करवाईयां ने। आप जी ने 59 शब्द ते 57 श्लोक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी विच दर्ज करवाए ने। सिर्फ ते सिर्फ आप जी की बाणी ही राग जैजावंती विच देखण अते सुणन नूं मिलदी है। धर्म के प्रचार के लिए आप जी ने जिथे माझा, मालवा ते दुआबा का दौरा किया उत्थे ही आप जी ने असाम, बंगाल, आगरा ते पटने का भी दौरा किया। आप जी की बहादुरी, आप जी की निडरता ते आप जी के जीवन दियां जो गल्लां ने वो दूर दरेडे फैल दियां गईयां। उदों औरंगजेब का जुल्म का कहर बहुत वध रहा सी ते आप जी पास कुछ कश्मीरी पंडित एक गल लैके आए कि औरंगजेब उन्हां ते जुल्म ढा रहा है ते उन्हां नूं जबरदस्ती धर्म परिवर्तन लई तोर रहा है। उदों आप जी समझ गए कि हुण इह सब जुल्मां नूं ठल कुरबानी ही पा सकती है। आप जी नूं आप दे तीन साथियों दे नाल भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला जी नाल बसी पठाणा दी जेल विच कैद कर लिया गया। उन्हां दी शहीदी तो बाद आप जी नूं चांदनी चौंक विखे सिर धड़ तों अलग करके शहीद कर दिता गया। उत्थे लखी शाह वणजारा नाम दे इंसान ने आप जी दी देह दा अंतिम संस्कार अपने झोंपड़ी विच ही कीता। उसने अपनी झोंपड़ी नूं अग लगा दित्ती तां जो किसे नूं किसे तरह दा भी शक ना होवे। गुरु जी दे जीवन तो सानू सीध लैनी चाहीदी है। सानू अमलां दे पक्के रहना चाहीदा है, निडरता नाल, बहादुरी नाल हर तरह दे जुल्म दा सामना करना चाहीदा है। अपने जीवन नूं बहुत ही सधारण ढंग नाल ते पवित्रता दे नाल जीउणा चाहीदा है। एक बार फिर तो सारिआं नूं धन श्री गुरु तेग बहादुर जी दे प्रकाश पुरब दियां लख लख मुबारकां। धन्नवाद।